चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम दो डाउट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले डाउट यह है कि क्या नीट 23 का सिलेबस वही है जो नीट 22 में था, क्योंकि नीट 23 का सिलेबस डिक्लेयर कर दिया है एनटीए ने। दूसरा डाउट यह है कि इस बार नीट 23 का रजिस्ट्रेशन करते समय प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, तो एनटीए ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि कौन सा एड्रेस प्रूफ आपको प्रेजेंट के लिए अपलोड करना है और कौन सा परमानेंट के लिए करना है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, तो ये भी डाउट हम दूर करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। जो नीट 23 का सिलेबस एनटीए ने डिक्लेयर किया है, तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ये एनटीए ने इसका सिलेबस दिया है। इसकी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन सेक्शन में हम इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जैसे ही डाउनलोड करेंगे, इसमें कोर सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिजिक्स का देखें, 11वीं और 12वीं के नीट 23 के लिए टॉपिक्स देखें, तो वही 10 टॉपिक्स हैं जो नीट 22 में थे। ये नीट 22 में 10 टॉपिक्स थे फिजिक्स के, यही 23 में है। 23 में केमिस्ट्री का एक बार 11th और 12th का सिलेबस देखें, इसके भी 16 टॉपिक्स थे, और इसमें अगर 22 का देखें तो वही 16 टॉपिक केमिस्ट्री में इस बार 23 में है। 23 में बायोलॉजी का 11th और 12th का सिलेबस देखें तो वही 5 टॉपिक्स 12th के इस बार हैं, और वही 5 टॉपिक्स 22 में थे। इसके एक बार कंटेंट्स की बात कर लेते हैं, तो सेम फिजिक्स के वही कंटेंट्स हैं जो 22 में थे, और केमिस्ट्री बायोलॉजी के वही कंटेंट्स थे जो 22 में थे और 23 में भी सेम ही हैं। कहने का मतलब यह है कि 23 में कोई किसी प्रकार का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, जो 22 में सिलेबस था वही 23 में सिलेबस है इस बार। अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न भी सेम है। एनटीए ने इसके बारे में भी डिक्लेयर कर दिया है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में 23 में कि कोई एग्जाम पैटर्न में चेंज नहीं है, एग्जाम ड्यूरेशन में भी कोई चेंजिंग नहीं है। कहने का मतलब यह है कि सिलेबस सेम है, एग्जाम पैटर्न सेम है, एग्जाम ड्यूरेशन सेम है, एग्जाम टाइमिंग सेम है, तो 22 के अकॉर्डिंग ही आपको प्रिपरेशन करना है, किसी प्रकार की इस बार कोई चेंज नहीं है। तो ये तो होगी सिलेबस की बात में। अब बात करते हैं हम एड्रेस प्रूफ की, तो एड्रेस प्रूफ में परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो दोनों के प्रूफ एक सिंगल पीडीएफ फाइल में मर्ज करके अपलोड करने हैं। अब यहां पर भी एनटीए ने क्लियर कर दिया है एड्रेस प्रूफ के बारे में कि कौन सा एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है और कौन सा परमानेंट एड्रेस प्रूफ अपलोड करना है, तो इसमें एफएक्यू में ये सारा सब कुछ दिया गया है। तो एक बार हम एफएक्यू डाउनलोड कर लेते हैं, और एफएक्यू में लास्ट में इसमें सेक्शन 5 में क्वेरीज रिगार्डिंग एड्रेस प्रूफ के बारे में बताया गया है नीट 23 के इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो इसमें सबसे पहले हम एक बार मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में डिफरेंस क्या है। वैसे तो ये कॉमनली हर स्टूडेंट को पता है, लेकिन फिर भी किसी किसी को डाउट रहता है। तो परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपका डोमिसाइल यानी कि आपका स्थायी निवास स्थान है। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस वो होता है जहां आप प्रेजेंट में स्टडी कर रहे हैं या प्रेजेंट में रह रहे हैं। तो ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम भी हो सकते हैं। अगर कोई परमानेंट एड्रेस पर ही स्टूडेंट अपना स्टडी कर रहा है तो वो दोनों सेम होंगे, उनको एक ही प्रूफ अपलोड करना होगा सिंगल पीडीएफ फाइल में। अब इसमें सबसे पहले हम क्वेरी नंबर 1 देख लेते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट बिहार का रहने वाला है और कोटा में वो स्टडी कर रहा है, तो प्रेजेंट एड्रेस उसका कोटा हो गया और परमानेंट एड्रेस बिहार हो गया। तो प्रेजेंट एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और परमानेंट एड्रेस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं? तो प्रेजेंट एड्रेस के लिए उसके पास में वो अपना स्कूल का आई कार्ड अपलोड कर सकता है, स्कूल का आई कार्ड अपलोड कर सकता है, कोचिंग का आई कार्ड अपलोड कर सकता है, रेंट एग्रीमेंट अपलोड कर सकता है जहां पर वो रह रहा है, रूम एग्रीमेंट। इसके बाद में बैंक की पासबुक अपलोड कर सकता है अगर वो कोटा एड्रेस की है। तो अगर किसी का कोटा में बैंक में एड्रेस है, पासबुक है उसकी, तो वो भी अपलोड कर सकता है। तो ये प्रेजेंट एड्रेस के लिए अपलोड कर सकते हैं। परमानेंट के लिए आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये अपलोड कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस के लिए। तो ये तो हो गई इस कंडीशन में बात में। अब इसमें देखते हैं हम कि इसमें दूसरी क्वेरीज ये है
कि मेरे पास कोई किसी का परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस का प्रूफ नहीं है, क्या मैं इसके लिए एफिडेविट बनवा सकता हूं? तो ये सबसे अच्छा तरीका है, अगर किसी के पास में प्रेजेंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है, जैसे कि कोचिंग में वो स्टडी नहीं कर रहा है तो कोचिंग का भी उसके पास आई कार्ड नहीं है, इसके बाद में वो कहीं रूम एग्रीमेंट भी नहीं है, उसके पास में रूम वाला कोई एग्रीमेंट नहीं दे रहा है कि आप मेरे यहाँ रह रहे हैं, तो उसको सीधा कोर्ट में जाना है। कोर्ट में जाने के बाद में वहां नोटेरी पब्लिक बैठे हैं, वहां वो आपको एक एफिडेविट बना के दे देंगे कि मैं इतने समय से इतने समय तक कोटा में रह रहा हूं या इस जगह रह रहा हूं और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरे पास में प्रेजेंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है, मेरा परमानेंट एड्रेस ये है, उसमें आप अपनी पूरी डिटेल दे दें और एक एफिडेविट बनवा लें कोर्ट से, वो एफिडेविट आप अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहां बता दूं कि अगर परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको दोनों अपलोड करने होंगे, उनको मर्ज करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल में। तो इस प्रकार से अगर किसी के पास में प्रेजेंट एड्रेस का कोई प्रूफ नहीं है तो वो कर सकता है एफिडेविट बना के। अब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो एक ही जो प्रूफ है परमानेंट एड्रेस का उसी की सिंगल फाइल अपलोड करनी है यहां पर। तो ये डाउट हमारे क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट डाउट है कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस का सेपरेटली कोई अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स? तो नहीं, एक ही फाइल पीडीएफ एक ही जगह दे रखी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए एड्रेस प्रूफ में, तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों को मर्ज करके एक ही सिंगल फाइल में आप 50 से 300 केबी के बीच में अपलोड कर सकते हैं। ये आराम से हो जाता है। मर्ज करने के लिए आप एक पीडीएफ फाइल को कैसे मर्ज करना है ये आप गूगल पर जाकर के कर सकते हैं इसको। इसके बाद में एक डाउट और है, ये डाउट है कि क्या मैं रेंट एग्रीमेंट यूज कर सकता हूं? हाँ, आप यूज कर सकते हैं इसको, रेंट एग्रीमेंट को आप प्रेजेंट एड्रेस के प्रूफ के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट में है कि अगर किसी पेरेंट्स का, जैसे फादर मदर या गार्जियन का ट्रांसफर हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह और वो कैंडिडेट भी उसी के साथ में रह रहा है, तो वो पेरेंट्स या गार्जियन भी एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हमारा ट्रांसफर यहां से यहां हो गया है, हमारा परमानेंट एड्रेस ये है लेकिन हम प्रेजेंट में ट्रांसफर होने के कारण यहां पर आ गए हैं और कैंडिडेट भी हमारे साथ ही रह रहा है। इस प्रकार का पेरेंट्स या गार्जियन एक सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं कि अगर किसी कैंडिडेट का प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो उसके प्रूफ भी दोनों के अलग अलग देने होंगे, सॉरी एक ही सिंगल फाइल में अपलोड करने होंगे, प्रूफ एक ही सिंगल फाइल में मर्ज करके अपलोड करने होंगे। तो ये एड्रेस प्रूफ के बारे में था। अगर कोई कैंडिडेट परमानेंट एड्रेस ही है उसके पास में, प्रेजेंट में रह रहा है, प्रेजेंट एड्रेस नहीं बन पा रहा है या परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस नजदीक नजदीक हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस का एक प्रूफ आप अपलोड कर सकते हैं, उससे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा सोच है, ये क्यों मांगा जा रहा है एनटीए द्वारा इस बार, तो जहां मेरा सोच है ये एग्जाम सिटी के लिए मांगा जा रहा है इस बार, कि हो सकता है आप प्रेजेंट में कहां रह रहे हैं, जो आपने सिटी दी वो अवेलेबल नहीं है, तो आपके नजदीक का सिटी अलॉट करने के लिए ये एनटीए ने अपनी सुविधा के लिए इस प्रकार से ये अपलोड करवाया है, ये मेरा अपना मानना है। तो ये जानकारी थी आपके दो डाउट्स के बारे में, जो काफी सारे स्टूडेंट्स को, इन दो डाउट काफी सारे स्टूडेंट्स को है। तो मैं सोचता हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल कर दिया है, वैसे तो फॉर्म ध्यान से फिल करना है, मैंने ये वीडियो भी डाल दिया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी तो वो टेंशन ना लें, अपने स्टडी करते रहें, करेक्शन विंडो ओपन होगी। ये विंडो जो रजिस्ट्रेशन विंडो है, क्लोज होने के 5-7 दिन बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल टेंशन में न रह करके कहीं आप अपना पढ़ाई डिस्टर्ब ना कर लें, क्योंकि करेक्शन विंडो जरूर ओपन होगा और उसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट से हो जाती हैं गलतियां, क्योंकि गलतियां इंसान से ही होती हैं, जो गलतियां नहीं करता है वो तो भगवान होता है, तो गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए भी है, आप करेक्शन विंडो के टाइम में इसमें कर सकते हैं। कैटेगरी और लैंग्वेज वगैरह ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखें और ध्यान से भरें उसको, पेपर का मीडियम ध्यान से भरें। बाकी
मिलेंगे नई अपडेट के साथ में, नए वीडियो में। मैं वीडियो के अंत में ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आप की स्टडी अच्छी हो, आप अच्छी तरह से पढ़ाई करें, आपका अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। बेस्ट ऑफ लक।